नवरात्रि के जब 9 दिन के व्रत होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खाने पीने का मन करता है लेकिन व्रत की वजह से नहीं खा पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ नवरात्रि वाले ये आलू लच्छा नमकीन, जो नवरात्रि स्पेशल रेसिपी है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, आप अपने व्रत में ऐसी नमकीन बनाकर आराम से खा सकते हैं। तो इसको बनाना आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। अब 3 मीडियम साइज़ के आलू मैंने छील लिए थे और ये जो कद्दूकस है ये थोड़ा बड़ा कद्दूकस मैंने यूज़ किया है, क्योंकि अगर आप बारीक वाला यूज़ करेंगे तो लच्छे जो हैं वो टूट जाएंगे और परफेक्ट नहीं बनेंगे, इसलिए बड़ा वाला कद्दूकस मैंने यूज़ किया था और इसके ऐसे लच्छे निकाल लिए। अब वॉश करने का जो इन लच्छों का काम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस तरीके से वॉश नहीं होंगे तो तेल में डलते ही ये काले पड़ जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। तो जैसे मैं इसको वॉश कर रही हूँ आप इस तरीके से ही इसको वॉश करें। तो सबसे पहले मैंने एक बोल में पानी लिया था, इसमें लच्छों को डाला, तो इसका जितना भी स्टार्च था वो बड़े आराम से निकल जाएगा। और फिर हमें करना क्या है, इन आलू लच्छों को अच्छी तरीके से हथेलियों से दबाकर पानी निकाल कर एक दूसरे बोल में डालना है। और फिर एक बोल में पानी लेकर मैंने इसमें डाला था सेंधा नमक, इसे मिक्स कर दिया पानी के साथ और इन लच्छों को डाल दिया इस नमक वाले पानी में। अब इस नमक वाले पानी में 2 मिनट के लिए हमें रखना है और इसके बाद एक बोल में मैंने पानी लिया, इसमें डाला था मैंने 1 नींबू का रस और उसके बाद इन लच्छों को 5 मिनट के लिए इसमें भी डुबोना है, रखना है, ताकि जो लच्छे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं जैसे हमें चाहिए जब फ्राई हो, ताकि परफेक्ट फ्राई हो पाएं। तो बस मैंने इस नींबू वाले पानी में इसको डुबो दिया था और उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से निचोड़ कर बाहर निकाल दिया। अब ये हो चुके हैं परफेक्टली वॉश। अगर फिर भी आपके लच्छे थोड़े गीले आपको महसूस होते हैं तो आप टिश्यू पेपर या कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं उसे सुखाने में, बस वो गीले नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पीनट ऑयल लिया था और पीनट ऑयल में मैंने सबसे पहले डाल दिया करी पत्ता। करी पत्ता को फ्राई करना है और हम बाहर निकाल लेंगे इसको, और इसके बाद मैंने इसमें डाले थे पीनट, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, जैसे इसका कलर चेंज होगा तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद बारी आएगी आलू लच्छा फ्राई करने की। तो पीनट का कलर भी हो चुका था चेंज, चलिए इसको भी मैंने बाहर निकाल दिया। अब इन दोनों चीज़ों को हम साइड में रखेंगे, इसका यूज़ बाद में करना है। अब बारी आती है आलू लच्छा फ्राई करने की। तो ऐसे फैला कर मैंने गर्म तेल में इसको डाल दिया अच्छे से और 8 से 10 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पर आपको इसको फ्राई करना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएं और अच्छे क्रिस्पी होकर तैयार हो जाएं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं बीच बीच में इसको चला दिया मैंने, 8 से 10 मिनट हो चुके थे, ये लच्छे बनकर हो गए रेडी। आप देख रहे हैं काले नहीं पड़े, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए, क्रिस्पी जैसे मुझे चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही बने हैं। तो मैंने इसे बोल में निकाल लिया और जो मैंने करी पत्ता और पीनट रखे थे फ्राई करके मैंने वो डाल दिए, साथ में ऊपर से सेंधा नमक डाला। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, कम या ज़्यादा आप जितना खाते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था 1/2 टीस्पून पेपर पाउडर। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, बस कर दिया इसको रेडी, सर्व करें, खाएं। 9 दिन तक आप आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो अपने व्रत के दौरान कुछ नया ट्राई करने का मन है तो ये आलू लच्छा नमकीन आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी ये, क्योंकि ये खाने में बहुत मज़ेदार होती है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ आती हों पसंद तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ।